ग्वालियर के जनकगंज इलाके में रहने वाला एक सरकारी शिक्षक हैवान बन गया। उसने एक बेजुबान श्वान को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। जब उसे आसपास के रहने वाले लोगों ने रोका तो उसने अपनी बंदूक लोगों पर तान दी और गोली मारने तक की धमकी दे डाली। लोगों ने पशु प्रेमियों को फोन कर बुलाया। इसके बाद यहां लोग थाने पहुंचे और श्वान की हत्या करने वाले शिक्षक पर FIR दर्ज कराई। दरअसल पूरा मामला जनकगंज स्थित गोल पहाड़िया का है, जहां रहने वाला माता दीन गुर्जर सरकारी शिक्षक है। मोहल्ले में रहने वाला एक बेजुबान श्वान उस पर भोंकता था। एक दो बार उसके घर के बाहर टॉयलेट भी कर गया। यह बात उसे नगावारा गुजरी, जिसे नाराज शिक्षक ने बेरहमी से श्वान को लाठी से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। हालांकि इस दौरान आसपास के लोगों ने श्वान को बचाने का प्रयास किया, लेकिन शिक्षक ने बंदूक तानकर गोली मारने की धमकी दे डाली। आखिरकार श्वान की दर्दनाक मौत हो गई। जब पशु प्रेमियों को घटना की जानकारी लगी तो जनकगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पेशे से शिक्षक माता दीन गुर्जर, ये इनके घर के बाहर एक डॉग रोज आके भौंकता था, जो इनको पसंद नहीं आया और इन्होंने एक दिन अभी लठ उठाई और इन्होंने उसको मारना चालू कर दिया। उसके बीच बचाव में जब इनके पड़ोसी आए और लोग आए तो ये अपनी अंदर से बंदूक निकाल लाया और उनको धमकी देने लगे कि तुम चले जाओ। वो डॉग वहीं तड़प तड़प के मर गया, जिसकी सूचना दो NGO वालों को लगी, एक नम्रता सक्सेना, दूसरे आकाश बंसल। इन्होंने मौका वारदात पे जाके वहाँ पे उसकी FIR दर्ज कराई। लेकिन मेरा बोलने का सिर्फ एक उद्देश्य ये है कि जब तक इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी, सख्त से सख्त कानून नहीं बनेगा, नॉन अवेलेबल ऑफेंस जब तक इसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब इंसान को मारा जाता है तो उसमें 302 लगती है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन यहीं किसी जानवर की मौत हो जाती है, उनको उनके साथ क्रूरता होती है, उनको बेरहमी से मारा जाता है, उसके पीछे शासन का कोई भी वो नहीं है, कोई उसके पीछे नियम नहीं है। 1960 के नियम बने हुए हैं, उसी के हिसाब से चल रही है। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि इसको भी 302 की धारा के अंदर लिया जाए। मर्डर मर्डर होता है। अगर आप किसी इंसान को मारो या किसी जीव को मारो या जानवर को मारो, सब मर्डर ही होते हैं। किसी को अधिकार नहीं है कि वो किसी की जान ले सके, और अगर वो जान ले रहा है तो उसको IPC धारा 302 के अंदर सजा होनी चाहिए। ये एनिमल फाउंडेशन वाले इन्होंने आकर शिकायत की है कि गोल पहाड़िया क्षेत्र में नवग्रह कॉलोनी के पास में कुत्ते को, जो स्ट्रीट डॉग कहलाते हैं, उनको बेरहमी से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी, जो कि मर गया था। इसकी सूचना पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया और विवेचना में लिया। ये अपना जो सड़क पे घूमते रहते हैं, आवारा कुत्ते थे, उनके केयर के लिए ये फाउंडेशन काम करता, और उनको जब सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने संज्ञान में लेते हुए यहाँ अपराध पंजीबद्ध किया। फिलहाल देखना होगा कि श्वान की पीट पीट कर हत्या करने वाले शिक्षक के खिलाफ पुलिस क्या एक्शन लेती है। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।